मैं सरिता जाकिटिया, मैं शिक्षा सदस्य कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय के लिए। अपन पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर चल रहा है 7वां चैप्टर, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज अपना क्वेश्चन है 15वां। 14वां क्वेश्चन अपना होमवर्क में पहले से मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। 15वां क्वेश्चन उतार रहे हैं हम। अंदरवा क्वेश्चन है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमको प्रूव क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपोजिट, है ना। तो हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम प्रमेयीकरण करेंगे, मतलब रैशनलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, हम नीचे जो संख्या होती है उसमें चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, काटने पे वापस अपने पास यही संख्या रहेगी। इस तरह से हम चीज़ें जोड़ या घटा सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो गया है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अपने पास सरसमीका है, ये सरसमीका अपनी बार बार यूज आ रही है, तो कृपया आप ध्यान दें इस पे। तो ये ए है 1 और बी है कॉस थीटा, इस तरह से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन थीटा कट गया, तो अपने पास क्या आ गया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपना आंसर है आरएचएस, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एक बार वापस देख लीजिए, इस तरह की यदि संख्या आती है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसका करते हैं प्रमेयीकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो भी डिजिट दी होती है, सिंगल डिजिट होती है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, और यदि डबल है तो इसमें जो चिन्ह है उसका चिन्ह उल्टा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों जुड़ गए हैं और ये हो गया है इस सरसमीका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे अपन आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा इस नीचे वाले की जगह, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कट गया, अपने पास आंसर है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वें क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी इसको पहले बिताना पड़ेगा। हमारे 9th क्लास में भी था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है तो मैं वापस करवा देती हूँ। मैंने पिछले साल भी किया था, यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो शुरू को याद होगा, कोई बात नहीं, एक बार अपनी रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब अपन इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब रूप में बनाएंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब,
हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि सरसमी का मैं लिखती हूँ साइड में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इसको इस रूप में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ये है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें रखना है अपन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास पहले से आइडेंटिटी अपने को पता है, इसका मान होता है एक, तो अपने पास केवल पीछे वाला ब्रैकेट ही बचा है। इसको सॉल्व करेंगे साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, नहीं हम इसको स्क्वायर रूप में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसको वापस स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम पहले हमने ए क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है, दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वन तो इससे मल्टीप्लाई होने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अपन सीधे इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और टू साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे पास सरलसमीकरण होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हमारे पास ये एक्सपांशन है, इसको हम शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, और पीछे क्या बचा है अपने पास, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये टू है और ये वन है और दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो टू प्लस वन थ्री हो गए, यानी कि तीन हो गए ये, तो तीन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है एक होती है एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आंसर है, ये है आरएचएस, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए अपन एक बार वापस देख लेते हैं। साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा, इस सिक्स थीटा को हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूप में लिख देंगे, क्यूबिक यानी घन रूप में। तो अपने को पता है ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्यूब वाली सरलसमीकरण हमने देखी हुई है, एक बार वापस बता लेती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने यहाँ पे अपने पास ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में इसकी वैल्यू रखती है, इस पूरे की वैल्यू हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वन। अब हमारे पास बचा है ये वाला ब्रैकेट, ये हमने स्क्वायर के रूप में रखा है, इसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि हम केवल प्लस नहीं कर सकते, बराबर संख्या ही हमको रखनी पड़ती है, इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करने पे ये पूरा बन गया अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला, और बचे हुए को हमने जोड़ दिया है, इस तरह से तीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। इस पूरे की वैल्यू हो गई है वन और ये आ गए हैं थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास आंसर है आर एच एस का, इस तरह से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको सेपरेटली करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।